मूवी स्टार्ट होती है और हमें नोबिता और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है और सुनियो सबको बता रहा होता है और एक्चुअली दिखा रहा होता है कि कैसे वो एक प्राइवेट प्लेन में हवाई गया था। फिर वो बताता है कि उसके पापा भी एक प्राइवेट प्लेन जल्दी ही खरीदने वाले हैं जिससे वो स्कूल जाया करेगा। अब यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर बातों ही बातों में सुनियो नोबिता को प्लेन में बिठाने से मना कर देता है। फिर नोबिता घर आ जाता है और डोरेमोन से कहता है कि उसे भी एक प्राइवेट प्लेन में बैठना है। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है बग कंट्रोल हेलमेट। अब यहाँ पे जिससे वो किसी भी बग को कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद वो दोनों ग्राउंड में जाते हैं और वहां पे जाके वो एक गैजेट की मदद से छोटे हो जाते हैं। फिर इन्हें यही ग्राउंड जंगल लगने लगता है। फिर यहाँ पे डोरेमोन ड्रैगन फ्लाई के ऊपर अपना हैंडल लगाकर उसके साथ उड़ने लगता है। इसके बाद नोबिता भी एक ड्रैगन फ्लाई पर बैठ जाता है पर वो उड़ता नहीं है क्योंकि उसका एक पंख थोड़ा सा फटा होता है। अब यहाँ पे डोरेमोन उसको ठीक कर देता है पंख को। फिर वो दोनों उड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों उड़ते हुए सिजुका के गार्डन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे पानी दे रही होती है और वो गलती से इन दोनों पर भी पानी डाल देती है। इसके बाद सिजुका भी एक बटरफ्लाई को कंट्रोल करती है और उसके साथ उड़ती है। तभी जियान और सुनियो उन्हें वहां से गुजरते हुए दिखाई देती हैं। तो नोबिता उन्हें जाता है उनके पास और उनको देख लेता है। तो वो उन दोनों को बहुत ज्यादा तंग करता है अपने फ्लाई की मदद से। इसके बाद वो जियान उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो पकड़ नहीं पाता है। पर जियान उस फ्लाई को हिप्नोटाइज कर लेता है और पकड़ देता है। जिसके बाद जियान और सुनियो भी उनके साथ ही जुड़ जाते हैं और यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा मजे करते हैं। फिर जियान यहाँ पे कहता है कि पहले पहाड़ी तक की रेस करते हैं और जो हारेगा वो स्कूल की सफाई करेगा। रेस स्टार्ट होती है और वो दोनों काफी तेजी से आगे निकल जाते हैं जियान और सुनियो। और तभी यहाँ पे नोबिता को सुनियो की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी देखते हैं जाके कि सुनियो एक मकड़ी के जाले में फंस चुका है। तभी एक मकड़ी सुनियो की तरफ खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी नोबिता मकड़ी पर एयर गन से यहाँ पे हमला करने लगता है और दूसरी तरफ से डोरेमोन सुनियो को जाल काट कर बचा लेता है। पर फिर जब जियान पहाड़ी पर पहुंचता है दूसरी ओर तो वो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। तभी अचानक उसके सामने से एक हनी भी आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाता है और उसकी आवाज यहाँ पे इन सबको सुनाई देती है। फिर यहाँ पे उसके पास वो जाने लगते हैं तभी उस पर भी हमला कर देती है। अब यहाँ पे सभी लोग जियान को ढूंढते हुए पहुंचते हैं वहां पे। वो जियान को आसपास ढूंढते हैं तो वहां पे उन्हें जियान के फ्लाइज के पंख मिलते हैं और हैंडल डला हुआ मिलता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर वो सब लोग टाइम टीवी में देखते हैं कि जियान कहाँ गया जिससे उन्हें पता चलता है कि उसे हनी भी अपने साथ लेकर गई है छत्ते के पास। फिर सभी यहाँ पे उसके तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे इन्हें कुछ यहाँ ग्रास ऑफर्स मिलते हैं जिनमें हैंडल लगाकर वो सब लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जियान को देखते हैं जिसे बीज अपने छत्ते में लाई होती हैं। पर जियान वहां से भागने की कोशिश करने लगता है तो बीज उसके पीछे पड़ जाती हैं। पर तभी नोबिता और यहाँ पे नोबिता और सबके सामने ऑर्थोकोर्स आ जाते हैं और ग्रास ओपर्स और उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसे डर कर यहाँ पे सभी अपने यहाँ भाग आते हैं। तो यह एक तालाब के पास आ जाते हैं। दरअसल वो एक गड्ढा होता है जो कि उन्हें तालाब लगता है। फिर वहां पे वाटर स्कीपर्स को बुलाते हैं वो लोग और उनकी मदद से वो जल्दी से वहां आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान धनी बी से बचते बचते उन्हीं के छत्ते में अंदर चला जाता है। अब जिसे बाकी देख लेते हैं सब लोग कि हाँ वो उसके अंदर चला गया है। फिर वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बीज उन्हें देख लेती हैं और फिर वो उनके पीछे पड़ जाती हैं। पर यहाँ पे कैसे भी वो लोग छिप जाते हैं। अब यहाँ पे उन्हें एक ग्राउंड पिकअप मिलता है जिसकी मदद से वो झत्ता सीधे वहीं छत्ते में खोद के जमीन निकल जाते हैं और छत्ते में बिल्कुल टाइमिंग पे पहुंचते हैं जहाँ पे जियान को बीज मारने ही वाली होती हैं और वो जियान को बचा लेते हैं और फिर उनके पीछे सारी बीज लग जाती हैं टीम बाय टीम। पर जल्दबाजी में भागने की वजह से डोरेमोन से यहाँ पे कंट्रोल हैंडल टूट जाता है। फिर वो सब यहाँ पे पैदल भागते हैं और भागते भागते वो सभी एक पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और वहीं लगी बेलों को पकड़ लेते हैं। पर नोबिता कुछ भी पकड़ नहीं पाता है और वो पानी में नीचे गिरने लगता है। अब उसे एक ड्रैगन फ्लाई आके बचा लेता है। अब यह वही ड्रैगन फ्लाई होता है जिसकी मदद उसने की थी उसका पंख जोड़कर। यहाँ पे पानी देखकर बीज वापस चली जाती
जाती हैं। अब आखिरी में नोबिता फ्लाई को बाय बोलता है और सभी यहाँ पे एडवेंचर को सोच के हंसने लगते हैं और नोबिता जियान पर हंसने लगते हैं और मूवी यहीं पर हैप्पी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।